शुभ कर्म और शुभ कर्म का फल मिले। मुक्ति बहुत दूर है, मुक्ति के लिए पुण्य भी जलाना और पाप भी जलाना। बिना कर्म जलाए हुए किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म का फल अच्छा और बुरा मिलेगा। महात्माओं की, योगियों की भूमि इसलिए पवित्र है कि वहां उन्होंने योग किया और आध्यात्मिक शक्ति को जगाया। हमको उनकी भूमि पर जाकर ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने जीवन काल में ब्रज में, मथुरा में, 84 कोस में आए हुए हैं तो शराब नहीं पिएंगे, नमाज खाएंगे। इन्हें अखाद्य यानी वस्तुओं से बचना चाहिए। तो कुछ पुण्य बन सकता है और आपने इसका सेवन किया तो पुण्य कुछ नहीं, उसको आपका यानी पुण्य तो मिलेगा ही नहीं, पाप जमा हो जाएगा और फिर ऐसी मानव आत्मा को नरकों की सजा मिलेगी और वहां यात्राएं भोगनी पड़ेगी। वो हमको काशी जाना हो, अयोध्या जाना हो, मथुरा जाना हो, चित्रकूट जाना हो, या हमको उज्जैन जाना हो, या नासिक जाना हो, या द्वारका, या रामेश्वरम, या धाम बद्रीनाथ जाना हो, तो एक एक बुराई प्रतिज्ञा करके वहां छोड़ दे, ये हम छोड़ के जाने, इस बुराई को अब नहीं रखे। उनको जाकर फल मिलेगा और मुक्ति रोज के लिए तो किस भगवान ने कह दिया है बुद्धों से कि अगर वास्तव में मुक्ति पहुंचाते हो तो या तो योग करो। उन्होंने कहा कि योग के लिए तो मेरे पास अब कोई समय नहीं रह गया, मैं तो अब जयी यानी बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति और रोच संतों से मिलेगी और वैसे अगर चाहते हो तो योग करो, तो योग कर भी सकते और संत कहाँ मिले, कैसे मिल जाएंगे अब तो उनके पास समय रहा नहीं संतों के खोजने का, दोनों तरफ से चली गए। फिर आप लोग भूमि पर आते हो तो बताने वालों को ये सब बातें भूमि की बतानी चाहिए, इसलिए पवित्र भूमि मानी जाती है और हम लोग कुछ पुण्य अगर कमाए तो कमा सकते हैं और आत्मा का भी कल्याण कर सकते। लेकिन उस काम को, कर्म को नहीं करोगे तो कुछ होने होने वाला ना हुआ ना हो, इसलिए ये सब महात्माओं की, जहाँ ऋषि मुनि महात्मा योगी साधु संत आते रहते थे, जमीन पृथ्वी को पवित्र पावन अपनी अध्यात्म योग शक्ति से करते रहते थे और हम सब लोग कल्याण के लिए कांक्षा करते थे। आप अपने को कुछ अच्छे पुण्य में लग रहा और वैसे कुछ, ये आज कार्यक्रम सत्संग का यानी 6 से 12 तक एकादशी का कल थे और 12 तारीख ये कार्यक्रम है। आपको मैं इसलिए बैठ गया हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर साधना स्थल बन गया है।
और आपने जो नामदान जो दिया है 10 बरस पहले 5 बरस पहले 20 बरस पहले, उनको ये चाहिए कि हमेशा उनको नवीकरण करते रहो। ऐसा मत समझो कि मैं पुराना नामदानी हो गया हूँ, पुराने नामदानी भी बारी से बारी गलती करते रहते, उस गलती को जो सुमन ध्यान भजन की उजड़िया है उसको समझते रहते और उसको दिखाते रहते। जब सही सही करोगे तो उसका फल सच है मिलेगा, नहीं करोगे योगा तो अभी तक साधना स्थल नहीं बना था जहाँ की लोगों से साधना कराई जाए। अब वो धीरे 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 जब जैसा समय आता है वैसे वैसा ही करना पड़े, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए ये सत्संग प्रारंभ हुआ कि लोग भजन ज्ञान और सुमरण कर अपनी इस जीवात्मा को जो मनुष्य शरीर में उसको जगाए और नाम के साथ जोड़े, उसके लिए कुछ होना चाहिए। तो वो बराबर वहां पहले बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको करना, सुमरण भी समझाना, ध्यान भी समझाना, भजन भी समझाना, 5-5 मिनट इन सब चीजों में लगेंगे और फिर आप एकांत में आकर के बैठ ताकि आने का इस ब्रजभूमि में कुछ आपको आध्यात्मिक कुछ है और जीवात्मा जगे अपनी उस सुख संपदा जो दैविक है वो ये जरूरी। और अब की बार आप पहले आगे अच्छा है, अभी तो आदमी तो कल से आना शुरू होगा, तो आप लोग जल्दी में आ गए ठीक है, लेकिन लोग फंस गया क्योंकि एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है जिसको जैसा वक्त समय मिलेगा कोई 4 दिन कोई 5 दिन कोई 6 दिन कोई 7 दिन अपना अपना समय दे दिया, तो अपने समय की बचत के अनुसार लोग अपना आएंगे, लेकिन बहुत लोग आएंगे और उनको अपनी बात ये साधन भजन अच्छी तरह से क्योंकि शरीर का कोई भी ठिकाना नहीं, ये कब रहे और कब इसकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि इसकी पूर्ति होनी है तो कब हो जाए, किस घड़ी में, किस दिन, किस समय, अगर हमको यहाँ से ये मकान छोड़ दिया जाना है, कौन मकान में रहने देगा, मकान मालिक को एक मिनट भी उसमें रहने नहीं देगा और दोबारा लौट के भेजता भी नहीं कि चलो भाई कुछ इंतजार किया जाए शायद भेज दे, वो भी कुछ नहीं, जैसे ही निकाला वैसे ही आप अपने रस्म रवाज जो सामाजिक फौरन शुरू कर दिया और ले गए जला जुलू करके गाड़ गुट। तो ये आखिरी अंतिम ये जगत संसार जिसके लिए इतने मरते पचते हो खपते लगे पड़े हुए, अंत में कुछ भी काम नहीं आता, तो ये कल से शुरू होगा और दोनों तरफ पानी रखा रहेगा, पैर धोइए और फिर पहुंचिए और फिर अंदर जाइए और फिर उसके बाद बैठ, अगर रुचि है तो स्मरण करो, रुचि है तो ध्यान करो, रुचि है तो बैठ जाओ, तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं, सुमरण अलग है ध्यान अलग, जिसमें रुचि लगे उसी को आप पहले सुनो इसमें, लेकिन सबसे पहले जब कोई कार्य करो तो फिर आप स्थानीय उन धनियों को उन मालिकों को जो अपने अपने मंडलों के हैं और जो यहाँ के उनको पहले याद करने की जरूरत है जिससे कि उनकी हम कृपा पात्र दृष्टि
बंद और उनकी दया ग्रहण कर सकते, ये तो बहुत जरूरी बहुत आवश्यक है। इसलिए ज्यादा सत्र में ये 7 बजे समाप्त हो जाएगा। अब आप लोग जय 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 गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जब कोई मिले उससे ये बताना चाहिए कि भाई भगवान के अनेकों नाम है, विष्णु भगवान के 1000 नाम, उनमें से एक ये भी नाम मान लीजिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव किसी आदमी का तो नाम नहीं है, तो आप जब मान लोगे कि उन्हीं में से ही है तो संगा खत्म, नहीं आपको कोई ना कोई संगा पीड़ित किए रहेगी। लेकिन संगा तो बड़ी खतरनाक और गिराने डुबाने विनाश करने वाली, नुकसान करती क्षति करती, वो तो सुमरण ध्यान भजन में लगने लगी तो संगा विनाश और तो विनाश करू। तो संगा तो अर्जुन कृष्ण पर की तो नरक में जाना, और जो साथ रहे धर्मीर की दृष्टि उनको भी नरक देखने के लिए जाना पड़ा, और द्रौपदी वगैरह। तो आप लोगों ने तो अब कृष्ण देखे नहीं, उसके लिए 5000 से लगभग ऊपर हो गया जिन्होंने देखा था, उन्होंने उन पर शंका की और फिर उनका विनाश हुआ। तो आपने तो ऋषि मुनि महात्मा योगी योगेश्वर देखे नहीं, वो तो उन्होंने ये कहा कि देखने वालों के पास जाए, उन्हीं से शंकाओं का निवारण, और जो बताते हैं शंका उसमें अपना नुकसान होगा उनका, वो तो शंका निवारण के सब उपाय बता देते। आप जान लो जड़ न संग्रह करें, जड़ है और जान मूल संग्रह करते तो उनकी संख्या कौन मिटे, उनका तो विनाश होना ही। इसलिए ऐसा कभी मत कि भाई कोई ऐसी बात बताई जाए जिससे कोई नुकसान हो। गुरु पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी, उनके बगैर तो एक कदम में एक तिल भर नहीं जाया जाएगा, तो आगे रख देगा। तो जो चीज आगे रखी उसमें शंका क्या। तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही, तो शंका के बाद वही ब्रह्मा है वही विष्णु है वही ये, तो सब उनको उसी मान लो, देवी है देवता है विष्णु सब उन्हीं में मानो, संगा का निवारण। लेकिन आप अलग अलग मानते हो संगा नष्ट करें, इसलिए आप लोगों को जवाब देंगे तो नहीं किसी आदमी का नाम नाम है और नाम सिद्ध जब हो जाता है तो नाम का आदेश होता है, इस नाम से इन जीवात्माओं की लड़ाई होगी। तो आपको मतलब ये प्रयोग कर लेना चाहिए, अगर आप उसको हटाते रहोगे तिरस्कार करते रहोगे तो आपकी भलाई नहीं, उसका प्रयोग करो अपने काम से, मत इधर उधर क्या जिनका काम कुछ नहीं, जिनका ना हुआ ना होना ना होगा आप उनका तो विश्वास करो, और जिनका काम हो गया
उनका आत्मा विराट हो गए। ये संत मत में संत मत सनातन एक रास्ता, मत कहते हैं रास्ता, मत कोई फिरका नहीं, मत कोई मुल्क की जमात नहीं, मत कोई मतलब यह है कि एक बखेड़ा नहीं। संत मत यानी जीवात्मा जहां से आई वापिस उसी रास्ते से चली जाए तो इसको कहते हैं संत मत। रास्ते का नाम है संत, जमात फिरके का नाम नहीं है। जो आप बैठते हो और समझ बैठते हो और कहने लगते हो, संत मत कहते हैं रास्ते। एक रास्ते से उतर गया है, नाम शब्द से उतर गया है, और दोनों आंखों के पीछे जब कोई कर्मों का जाल नहीं था और आपको कर्म करने का अधिकार नहीं दिया था, तब तो जीवात्मा शब्द नाम के साथ जुड़ी हुई वापस आती थी, जाती थी। और अब जब कर्मों का अधिकार दे दिया, कर्म करने लगे, तो वह जीवात्मा गति तो नाम से अलग थलग हो, अब वापस ना आती है। अब वो संत मत का रास्ता भूल, मत कहते हैं मत। और आप मत की समझते हो फिरका, कोई जमात कोई समाज। इसलिए समझ में बड़ा अंतर है, जो महापुरुष समझाते हैं वो सनातन। हम लोग कहते हैं कबीर मत, कबीर पंथ, ये पंथ वो पंथ वो पंथ, पंथ अंत नहीं तो सनातन रास्ता। और महात्मा एक ही बात बराबर बताते जाएंगे, वो कोई पंथ और फिरका नहीं बताते, ये रास्ता है। तो आप लेकिन वहां शंका कर बैठते और लोकाचार में जात पात में फंस जाते, दूसरों के सब तुम पर इसलिए असर करते हैं कि इसमें प्रगाढ़ मोह ममता इसमें फंसे हुए हो जाल में, इसलिए उनके सब असर कर गए और छेद रहे। और महापुरुषों के जो शब्द है जो उसमें से निकालेंगे उन पर अविश्वास कर, इसलिए तो तीर बन गए, चुभते दर्द पैदा कर, ऐसे कड़वे वचन मार देगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे, उसी में रोते चिल्लाते रहो। और महापुरुषों के वचन फूल है से निकाल लें उस कड़वाहट से निकाल लें। तो आप महापुरुषों के दो चार शब्द सुनो, दो चार शब्द सुनिए आप कि वो क्या क्या नसीहत शिक्षा दे करके लोगों को जाते हैं। और हम लोग महापुरुषों के उनसे काम नहीं लेते, भूल से चले जाते हैं। भाई जो आएगा वो तो भूले हुआ है, जिसने जन्म लिया है, कोई ज्ञान में तो जन्म लिया नहीं, भूल में लिया, और भूल में रह रहा और भूले में चले, रोता हुआ है, रो रहा चाहेगा तो रोता हुआ। अब ये तो जो जन्म लेगा भूला, उसके लिए चाहिए महात्मा मिलते हैं। गुरु को परऊ पर गाता, गुरु को दिन भीतर। महापुरुषो ने बराबर चेतावनी दी है कि प्रेम तुम गुरु को ऊपर 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 गाते हो, तुम्हारे मन में तुम्हारे दिल में तुम्हारे दिमाग में गुरु नहीं है, ऊपर ऊपर गुरु दिमाग। वैसे और बात पूजा करते हो इसकी इसकी पूजा करते हो तो कहते हैं गुरु पूजा में सबकी पूजा, कहते हैं रंचक भर्म न मारो, जरा सा भी भर्म मत करो, उसमें तो सबकी पूजा है, इसकी करो उसकी करो उसकी करो उसकी पूजा, गुरु की पूजा कर ली सब। और गुरु प्रसन्न तो सब, और गुरु की पूजा छोड़ दी, गुरु को प्रसन्न करना छोड़ दिया तो सब कोई खुश होने वाला नहीं, इतनी बड़ी बात। तो कहते हैं ऊपर ऊपर तो गुरु की बात और दिल में कोई जगह नहीं, वह स्थान दिल में काम बस रहा क्रोध बस रहा
लोग बस रहा, वो बस रहा, आशा बस रही, कृष्णा बस रही, बच्चे बस रहे, ये बस रहा, धन दौलत बस रहा, और उबर उबर गुरु को गाते दिल भीतर हृदय में नहीं ऊपर ऊपर। बताओ क्या कैसे जीव आत्मा जगेंगे, क्योंकि तो ऊपर ऊपर हो गए। अगर मन से भी तुम कुछ करते होता वो भी कुछ नहीं, दिल में रखने की जगह नहीं। गुरु का दर्शन बाहर करता चित में दर्शन कभी कहते बाप, गुरु का दर्शन पार करता है सकल सूरत का, किसका पंच जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इसका बना हुआ है एक मसाला उसका, और जो नूरानी है जो प्रकाशित स्वरूप है उसको चित्त में नहीं जाता। काम तो नूरानी रूप करेगा, बाहर का तो इसलिए है जो देख ये फंसे हो, ये फंसे हो, ये फंसे हो, काम में है, क्रोध में है, लोभ में है, ये है, ये जाल है, ये जाल ऐसे, ये तो ये समझाएगा। लेकिन अगर चित्त में बसाओगे तो वो प्रकाश नूरानी रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब अंधेरा हो, उजाला ही उजाला। तो कहते हो चित्त में नहीं जाता, उसको आने ही नहीं देता, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। इसीलिए तो भजन ध्यान नहीं बनता। अगर चित्त में बसा लिया होता तो ध्यान भजन बन जाता। ऊपर ऊपर गाते भी, ऊपर ऊपर देखते भी, ऊपर ऊपर कहते भी, तो अंदर में बैठाते भी। यही वजह है कि सूरज जगाने का काम नहीं होता और सूरज नाम को नहीं पकड़ पाते, ध्यान नहीं बचता है, दिखी खुलती नहीं, देख नहीं पाती। सुमरन में ये होता है कि ऊब चू कभी हुआ कभी नहीं हुआ, और आगे पीछे कर दिया, अभी बीच ही में उठ खड़े हो गए। तो ये तो कहते हैं ऊपर ऊपर अंदर में, और अंदर की चीज वो भाई बाहर होगा, अंदर वो अंदर का रूप है, ये बाहर जो अंदर जाएगा आएगा वो तो अंदर का रूप, आने जाने का नहीं, मदद कौन करेगा। जो चढ़ाई जो होगी अंदर में दिव्य जगत में दिव्य लोकों में, उधर कौन निकाल के ले जाए, वही प्रकाश है, वो नूरानी रूप वो ले जाता है, क्योंकि तो आता जाता है। तो ऐसा बाहर भी कि जब खराबी गलतियों में फंसो तो उसको याद करो, फौरन खड़ा क्रोध आ जाए तो याद करो सामने उनकी मूरत, क्रोध तुरंत ठंडा, लोभ आ जाए सामने, अहंकार आ जाए सामने, तो ये सब जो दुश्मन है जो मतलब शैतान, ये कमजोर पड़ जाएंगे, वो तो काम लेते नहीं। ऊपर ऊपर बात हो और मन भाग रहा, काम क्रोध लोग अहंकार चारों तरफ फेरे डाल रहे, और मतलब चित्त में